आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती अमृत पाक की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है और ख़ास बात ये है कि इसको हम बग़ैर घी के और बग़ैर जो है हम चाशनी बनाए इसको तैयार करने वाले हैं। तो हम इसमें घी का यूज़ नहीं करने वाले हैं और ना ही हम इसमें दूध डालने वाले हैं। बग़ैर चाशनी के ये बहुत ही मज़े की बनकर के तैयार होती है और साथ ही साथ हम चीनी भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो काफ़ी आसान होता है ये गुजराती अमृत पाक बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ले ली है। तो बारीक वाली सूजी है तो वो ले सकते हैं और अगर थोड़ी सी मोटी है तो वो ले सकते हैं। उसका मैं आगे चल के जो है इलाज कर दूंगी कि कैसे आप जो है इसे ठीक कर सकते हैं, मतलब अगर मोटी वाली आपने सूजी ले ली है, क्योंकि ये जो सूजी मैंने ली है ना वो इस रेसिपी के लिए थोड़ी मोटी ही है। तो बस अभी हम क्या करते हैं, अब क्योंकि मेरे पास थोड़ी मोटी वाली सूजी थी तो मैंने ले ली। इसे हम जो है इस तरीके से रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाता है अच्छे से। थोड़ा सा एक बार गर्म हो जाएगा ना, कलर नहीं चेंज करना है। इसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे और फिर खट्टा सबको रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 कप जितना हमने बेसन ले लिया है और इसे हम इस तरीके से छान करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है इसे पैन में छान ले रही हूँ और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल धीमा रखिएगा जब आप ये सारे काम कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पे है तो नीचे से वो जल जाए और ऊपर से आप बेसन छानते रह जाए। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको चला लेते हैं कुछ इस तरीके से और बस इसी तरीके से हम इसे चलाएँगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं होने लगता है। तो बस आपको इसी तरीके से इसे बिल्कुल धीमी आंच पे चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती है। इसी के साथ जैसे ही आप देखिए बेसन भी गर्म हो चुका है, सूजी भी हल्की रोस्ट होने लगी है, एक इंग्रेडिएंट हम इसमें और ऐड कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें फिर इकट्ठा अच्छे से रोस्ट हो। अब सूजी को रोस्ट होने में बेसन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बेसन को रोस्ट होने में थोड़ा कम टाइम लगता है और मैदा को तो और भी ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो 1/2 कप जितना हमने इसमें मैदा डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटा भी डाल सकते हैं अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते हैं। वैसे जो ट्रेडिशनली अमृत पाक बनता है गुजरातियों की स्पेशल रेसिपी, उसमें बिल्कुल ये तीनों चीज़ें मिलाई जाती हैं। और बस हम इसी तरीके से इसे रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। और देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगातार चलाते हुए रोस्ट करना होगा। लगातार इसलिए चलाना होगा नहीं तो फिर एक तरफ से ये जलने लगता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये अच्छे से बिल्कुल रोस्ट कर लेना है आपको। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज अब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कलर फिर चेंज किया तो बर्फ़ी का भी हमारा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। कि मेक श्योर कि ये कच्चा ना रहे, ऐसा नहीं है कि कम भूनना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं करना, बाकी आपको इसको प्रॉपरली अच्छे से भून लेना है। तो आज की रेसिपी में मैंने घी यूज़ नहीं किया है तो इसी तरीके से हमने इसे भून लिया है ड्राई। तो ड्राई रोस्ट हमने कर लिया, इसे साइड पे रखते हैं। अब चीनी के बजाय आज हम रॉक शुगर यूज़ करने वाले हैं जिसे मिश्री भी बोलते हैं। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी और ध्यान रखिएगा जो क्रिस्टल फॉर्म में आती है आपको वैसी वाली नहीं यूज़ करनी है, इस तरीके से धागे वाली जो बड़े साइज़ में आती है मिश्री वो यूज़ करनी है। और इसको हम तोड़ लेंगे और इसके बाद मिक्सी में से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसका जो है हम पाउडर बना करके यूज़ करने वाले हैं। तो इसका हम मिक्सी में पाउडर बना लेते हैं और यहाँ पे ये देखिए हमने मिश्री का पाउडर बना करके रेडी कर लिया है। तो 1 कप मिश्री का पाउडर जो है वो आज हम डालने वाले हैं। अगर आप मिश्री नहीं डालना चाहते हैं तो आप आराम से चीनी का पाउडर बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में जिसमें आपको इसे कुक करना होगा। तो इसे मैंने निकाल लिया है और इसी के साथ हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इसमें वाटर ऐड कर दिया है 1/4 कप, 1/4 कप जितना आपको इसमें पानी ऐड करना है। और ये जो हमने अभी कहा था ना आपसे कि इसका इलाज करेंगे, तो क्योंकि सूजी मोटी वाली थी तो मैंने इकट्ठा इसे रोस्ट कर लिया था। अब इकट्ठा एक बार हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा मिक्सचर है ना थोड़ा सा फाइन हो जाएगा और फिर इसका जो अमृत पाक है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, तो उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मिश्री को हमने पानी में जो डाल करके रखा था इसे हम गैस की फ्लेम पर रखेंगे और यहाँ पर मीडियम टू लो हीट पे हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और इसके बाद हम इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे जब तक कि मिश्री अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक आपको इसे कुक करना होगा। तो बस इस यहाँ पर हम मिश्री को अच्छी तरीके से पानी में घोल लेंगे। ध्यान रखिएगा 1/4 कप आपको पानी डालना है 1 कप मिश्री के पाउडर में या फिर चीनी के पाउडर में। साथ में हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना।
और इसे भी हम चला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए चाशनी नहीं बनानी है, जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक पकाइए। तो यहाँ पर चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, चीनी बोल दे रही हूँ, मिश्री या चीनी जो है अच्छे से घुल चुकी है। यूजुअली हम लोग चीनी से बनाते हैं ना तो चीनी ही मुँह से निकलता है। तो यहाँ पर अब हम जो है इसमें मलाई ऐड करेंगे 1/4 कप जितना। तो हमें यहाँ पर फ्रेश मलाई ऐड करनी है, ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है घी का। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो फ्रेश मलाई ऐड कर दीजिए, और इस तरीके से हम जब तक मलाई इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती इसे कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे मलाई इसमें फ़ौरन से घुल मिल गई है। तो फटाफट से हमारा जो पिसा हुआ मिश्रण है इसे ऐड करेंगे एंड देन हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। अभी आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, देखिए जब हमने इसे मिक्स किया तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया। अगर इसी तरीके से आपका मिक्सर भी ड्राई हो जाए तो बस एक ही इसका इलाज है, और वो है कि आप इसमें 1 से 2 चम्मच जितना जो है ये मलाई ऐड कर दीजिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे ये बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और ड्राई नहीं होगा। वैसे तो अगर इतना ड्राई है कि आप इसे आराम से चला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं ऐड कीजिएगा और फटाफट से उसने जमने में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से हो चुका है, डो के फॉर्म में आ रहा है। मैंने इसमें 2 चम्मच जितना मलाई और ऐड किया, और अब हम जो है एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करने के बाद बस इसमें हम अपना जो बर्फ़ी का मिश्रण है ना, अमृत पाक का सारा मिश्रण इसमें डाल देंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। तो चारों तरफ आप इसे फैला दीजिए और इसे अच्छे से एक छोटी चम्मच की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला दीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने फैला दिया है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे प्लेन ही रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम के कतरन आप जो है इसके ऊपर इस तरह से फैला सकते हैं। तो मैं इसे पिस्ते और बादाम से बिल्कुल अच्छे से भर देने वाली हूँ और स्पैचुला की मदद से इसे जो है ऊपर से प्रेस कर दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके बाद हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा एंड देन इसमें हम कट्स के निशान लगा देंगे तो इजी हो जाएगा इसे निकालना। और ये जो बादाम बीच में आ रहे हैं उन्हें साइड पे कर दीजिए और बस इसी तरीके से हम इससे कट्स के निशान लगा लेंगे। और इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता है। जैसे ये ठंडा होगा ना आराम से ये निकलने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही अच्छा सेट होता है। तो बगैर चाशनी बनाए आप बड़ा ही मज़े का ये बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसे निकाल करके दिखाती हूँ। तो बस ये अच्छे से सेट हो चुका है और इसके बाद हम इसे जो है आराम से चारों तरफ से थोड़ा स्पेस देते हुए इसे निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छा सेट भी होता है। तो जैसे जैसे ये बिल्कुल अच्छे से मतलब ठंडा होता जाएगा ना उतने अच्छे से ये निकलता जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया हमारा अमृत पाक बन करके तैयार हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो